हैं कलकत्ता, जहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि इस वक्त बच्चों के साथ मेट्रो में सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें आपके सामने देश की। तो आपको बता दें कि आज अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है, और मेट्रो में स्टूडेंट्स के साथ सवारी कर रहे हैं मेट्रो की प्रधानमंत्री, और बच्चों से देखिए बातचीत भी कर रहे हैं। और अपने बीच देखकर प्रधानमंत्री को ये स्टूडेंट काफी खुश इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। तो पहली बार पानी के अंदर मेट्रो की रफ्तार दौड़ती हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, कोलकाता में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक बड़ी सौगात कोलकाता वासियों को दी गई है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी, अब स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं अंडर वाटर मेट्रो की सवारी। और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं इस रूप में कि बच्चों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं कैसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई है कोलकाता वासियों को। खासियत मैं आपको बता दूँ इस मेट्रो की, खासियत क्या है? खासियत ये है कि हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी सुरंग में ये बनाई गई है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है ये, जिसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। पीएम ने अंडर वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद बच्चों के साथ सफर करते, सवारी करते यहाँ पर प्रधानमंत्री। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है, और देखिए बाहर भी लोगों का हुजूम यहाँ पर जुटा हुआ है। देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को हाथ हिलाते, सभी का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद जो स्टाफ है मेट्रो के उससे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे। तो ये कोलकाता की तस्वीरें, मेट्रो में बच्चों के साथ सवारी की है, सफर किया है प्रधानमंत्री ने, उसके बाद मेट्रो स्टाफ से बातचीत करते हुए और फिर हाथ हिलाते हुए उन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते जो कि हजारों की संख्या में पहुंचे थे पीएम की एक झलक पाने के लिए। तो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी सुरंग खोदकर इसे बनाया गया है। तो अंडर वाटर मेट्रो को प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी, ये तस्वीरें कोलकाता से बेहद खास। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है ये, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, एक बड़ी सौगात कोलकाता वासियों को आज दी गई है। तो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें जब लोग अपने मोबाइल फोन लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की झलक अपने कैमरे में कैद करने के लिए, हाथ हिलाकर उनको हेलो कर रहे हैं। और अंडर वाटर वाटर मेट्रो में बच्चों के साथ सफर भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। और अभी मेट्रो स्टाफ से बातचीत करते हुए, तो ये गिफ्ट दिया गया है कोलकाता वासियों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। बच्चों के साथ अंडर वाटर मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी ने सफर किया, उसके बाद मेट्रो स्टाफ से बातचीत की, उनसे जाना समझा कि किस रूप में इसका विस्तार किया गया, किस तरह से उन्होंने काम यहाँ पर किया, और आगे किस रूप में जो है अब वो आगे अपने कार्य को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी सौगात दी गई आज के दिन। तो देखिए ऊपर पानी होगा, नीचे मेट्रो होगी, तो नई शुरुआत की गई है कोलकाता में। ये प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट दिया है कोलकाता वासियों को। और अंडर वाटर मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी ने सफर भी किया स्टूडेंट के साथ, और ये तस्वीर उस वक्त की जब मेट्रो स्टाफ से बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो पीएम ने बंगाल को 15,400 करोड़ की सौगात दी है, कई परियोजना का उद्घाटन भी किया है, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया। 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है, और कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। हुगली नदी के नीचे 80 किलोमीटर की रफ्तार से ये मेट्रो दौड़ेगी। हुगली नदी के नीचे से 80 किलोमीटर की रफ्तार होगी, 80 किलोमीटर की रफ्तार से ये मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी, जिसमें सफर करेंगे कोलकाता वासी। और ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जिसकी सौगात दी गई, जिसका तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ बढ़ाया है, और एक बड़ी सौगात यहाँ दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से।
पहली बार पानी के अंदर मेट्रो की रफ्तार पूरा देश देखेगा और ये बड़ी सौगात हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई है। पूरी जानकारी क्या है, कितने करोड़ की सौगात दी गई है, कैसे कितनी स्पीड में ये मेट्रो दौड़ेगी, ये जानकारी भी आपके सामने हम नीचे रख रहे हैं। हुगली नदी के नीचे ये मेट्रो बनाई गई है, तो ऊपर पानी होगा, नीचे मेट्रो होगी और इसी मेट्रो में सफर करेंगे कोलकाता वासी। तो पीएम ने अंडर वाटर मेट्रो को आज हरी झंडी दिखा दी और ये तस्वीर आप देख पाएंगे कोलकाता की ही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनकी एक फ़ोटो अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद और सभी का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री मोदी। और ये ही बातें हैं जो खास बनाती हैं प्रधानमंत्री को, कि क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी से मिलते हैं प्रधानमंत्री। और इससे पहले की तस्वीर भी आपने देखी थी जब स्टूडेंट से वो बातचीत कर रहे थे और स्टूडेंट भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे मेट्रो में सफ़र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और ये तस्वीर आप देखिए, हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है कोलकाता में और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में कितना उत्साह है पीएम को अपने बीच पाकर और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री इस वक्त आपके सामने। क्योंकि आज जो बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोलकाता वासियों को, ये अपने आप में खास है। क्योंकि इससे पहले आपने देश में इस तरह की मेट्रो नहीं देखी होगी कि ऊपर पानी है और नीचे मेट्रो दौड़ती हुई 80 किलोमीटर की रफ्तार से नजर आएगी। हुगली नदी के नीचे ये मेट्रो बनाई गई है। नीरज हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज। और ये दो तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर का जो मैं जिक्र कर रही थी आपसे, स्टूडेंट्स के साथ सफ़र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो में, और देखिए बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं और स्टूडेंट काफ़ी खुश हैं प्रधानमंत्री जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटती है, वो खुद उनके बीच मौजूद हैं। और इस वक्त मेरे साथ सहयोगी सौरभ मौजूद हैं मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई है कोलकाता वासियों को, मेट्रो ट्रेन की सौगात दी गई है, वो भी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, एक बड़ा तोहफा कोलकाता वासियों को कह सकते हैं क्या? देखिए, जरूर कोलकाता वासी के लिए ये मेट्रो ट्रेन बहुत अहम है, क्योंकि ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसलिए ना सिर्फ की वो अंडर वाटर है, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो है, बल्कि जो हजारों संख्या में लोग, लाखों संख्या में लोग जिस सबब से काम करने आते हैं कलकत्ता में, जब वो हावड़ा स्टेशन पे उतरते हैं तब उनको इधर उधर जाने के लिए या तो बस, या तो टैक्सी, या तो फेरी करना पड़ता है। अब उनको मेट्रो सर्विस भी मिलेगा, मेट्रो लाइन से हावड़ा स्टेशन भी जुड़ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बीजेपी का फोकस स्ट्रक्चर पे देश करने का एक किया है और उसकी प्रयास के सिलसिले में आप देख सकते, ये जो मेट्रो लाइन है ये बहुत पहले जैसे कि अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी इसका कंप्लीशन हुआ है और कंप्लीशन के बाद प्रधानमंत्री द्वारा ये देश के पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री खुद इन मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया है और उन्होंने इनॉग्रेट भी। तो संपर्क यहाँ पर टूट चुका है सौरभ से। तो सौरभ बता रहे थे कि एक बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई है कोलकाता वासियों को, 15,000 करोड़ से ज़्यादा की आज सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। और मेट्रो की जो खासियत है वो आपके सामने भी हम रख रहे हैं और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि कोलकाता वासी कितने खुश हैं ये तोहफा पाकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो आज उन्हें दिया गया है, अंडर वाटर मेट्रो की सौगात दी गई है। देखिए मेट्रो में तो आप और हम सभी सफ़र करते हैं मेट्रो का, लेकिन ये मेट्रो इस रूप में अलग है कि ये पानी के नीचे दौड़ती हुई नज़र आएगी। हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनाई गई है, 80 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी और 1 घंटे का सफ़र महज 6 मिनट में ये पूरा कर देगी। तो कैसे बनी है ये अंडर वाटर मेट्रो वो भी आप जानिए, 33 मीटर की खुदाई की गई है, 66 दिन लगे हैं खुदाई करने में, ये इसकी खासियत है।
और 100 फीट नीचे ये सुरंग बनाई गई है। 66 दिन इसे बनाने में लगे हैं, कुल मिलाकर कह सकते हैं करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है और 33 मीटर खुदाई इस मेट्रो के लिए की गई है और मेट्रो अब रफ्तार भरती हुई नजर आएगी, जिसमें सवार होंगे कोलकाता वासी। कोलकाता वासियों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज दी गई है। तो कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है और इसी मेट्रो में सफर करते प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें आपके सामने, पहली है जब स्टूडेंट के साथ सफर किया और तस्वीर दूसरी है ये मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो कैसे, किस किस रूट से ये मेट्रो होकर गुजरेगी, किस रूप में इसे तैयार किया गया, कितना इसका वक्त लगा है और किस रूप में ये खास है मेट्रो और ये पूरा जो फॉर्मेट है वो समझाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को, एक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से। तो देखिए बड़ी एलईडी स्क्रीन पर यहाँ पर समझते हुए कि किस रूप में इसे तैयार किया गया है, कितनी मीटर तक खुदाई की गई है, अब कितनी रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी और आप देख पाएंगे। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ लोगों के बीच आते हुए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी आपके सामने हैं।